राइट द प्लूरल नाउन्स फॉर द नाउन गिवन बिलो. इसके हमें प्लूरल लिखने हैं, एप्पल, एप्पल्स, हीरो, हीरोज, बेबी, बेबीज, लीफ, लिप्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन. इस प्रकार अलग अलग तरह से इसके आपके प्लूरल्स फॉर्म लिखा जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. पिक आउट नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन कैरेक्ट कॉलम. ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको हमको कैरेक्ट कॉलम्स में लिखना है. कॉमन जेंडर कौन से हैं एंड न्यूट्रल जेंडर कौन से हैं. चलिए सबसे पहले हम कॉमन जेंडर में देख लेते हैं. कॉमन जेंडर में हमारा हो जाता है स्टूडेंट. नेक्स्ट हमारा हो जाता है फ्रेंड, जिसमें मेल या फीमेल दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं. कॉमन जेंडर का मतलब ये हो जाता है. नेक्स्ट हो जाता है सिंगर एंड लास्ट हो जाता है चाइल्ड. मेल या फीमेल दोनों के लिए हम इस तरह के वर्ड को यूज़ करते हैं. और न्यूट्रल जेंडर में जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता है, जैसे ये हो गया टेलीविज़न. नेक्स्ट कपबोर्ड. थर्ड हो गया कॉम एंड लास्ट हो गया कंप्यूटर. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड्स के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट लेकर आई हूँ. इससे पहले मैंने कंप्यूटर की वर्कशीट आपके साथ शेयर की है. साथ ही आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड की वर्कशीट भी सभी सब्जेक्ट के एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैंने शेयर कर चुकी हूँ, तो उसे एक बार अवश्य देखें. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ दिस एडजेक्टिव्स. इस एडजेक्टिव्स के हमको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है. तो रिच, रिच का हो गया रिचर, ई आर लगा के बन जाता है. और इसका हो जाता है रिचेस्ट. वाइड, वाइडर और वाइडेस्ट. नेक्स्ट हो गया डीप, डीपर, डीपेस्ट. एंड लास्ट हो गया नॉटी. तो नॉटी का हमारा हो जाएगा नॉटियर, आई ई आर लग जाएगा इसमें. और इसमें हो जाता है नॉटियर का नॉटियस्ट, जी एच, यहाँ पे एच है, टी आई ई एस टी, नॉटियस्ट. इस तरह ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है सर्कल द एडजेक्टिव्स. इसमें हमें एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है. अ वेल्दी मैन हैज़ फाउंड द कंपनी. इसमें हमारा एडजेक्टिव्स हो गया वेल्दी. नंबर बी, यानी जो भी सेंटेंस की विशेषता कुछ बताई जा रही है तो वो हमारा एडजेक्टिव्स हो जाता है. नेक्स्ट नंबर 2, सी वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास एवरी मॉर्निंग. वह प्रतिदिन हरे ग्रास पर टहलती है. तो यहाँ एडजेक्टिव्स हो गया ग्रीन. नेक्स्ट, बी बाउट टू बेड सेट डैट द वाइट. तो यहाँ पर हो गया 2 नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एंड नंबर 4, आई पुट इनफ चीज़ इन द ऑमलेट. तो इनफ हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस क्लास थर्ड में बच्चों को एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एन जी लगाकर वर्ब बनाने के लिए बोला जाता है इन्हें. तो इस प्रकार ये बन जाएगा एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग, वॉक, वॉकिंग, स्पिन, स्पिनिंग, इट, ईटिंग, ब्रेक, ब्रेकिंग. आई एन जी लगा के इनको हमें कंप्लीट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चेंज द गिवन वर्ब्स टू सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म. ये कुछ वर्ब दिए गए हैं जिसके हमें सिंपल पास्ट फॉर्म में चेंज करके बताना है कि इसके पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म में क्या इसके बनेंगे. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं. अराइव, अराइव के लिए चलिए दूसरा ले लेते हैं, ए डबल आर आई वी ई डी, अराइव्ड. चीयर, चीयर्ड. सी एच
डबल ई आर ई डी, ई डी लगा कर इसमें भर बन रहा है। टेक, टेक का चेंज हो जाता है। टुक, बाई का बाउट बी ओ यू सी एच टी, एंड टिच का हो जाता है आपका टॉच टी ए यू जी एच टी टॉट। इस प्रकार इसके सिंपल फॉर्म के पास्ट टेंस में वर्ब को चेंज करके लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ में प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा देखें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को प्रॉपर देख पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। टिक द कैरेक्ट्स आर्टिकल ए एन और द, इन तीनों आर्टिकल्स को हमें इस सेंटेंस में फिलअप करना है। ए का प्रयोग जो है आपका वैसे आर्टिकल्स में होता है जो सिंगुलर नाउंस होते हैं, एन का प्रयोग आर्टिकल्स जहाँ पे आपके सिंगुलर नाउंस और वोवल फॉर्म में रहते हैं उसमें ए ई आई ओ यू जिस तरह के वर्ड होते हैं इसमें हमारे एन का प्रयोग होता है। एंड द का प्रयोग जो है आपका पार्टिकुलर किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग्स के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, और कई बार सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउंस के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया आई सॉ अ पैरोट फ्लाइंग हाई, ऑस्ट्रिच। ओ हमारा क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी अगर हमारा भोवल हो रहा है या भोवल से स्टार्ट हो रहा है तो उस वर्ड के पीछे एन का यूज़ होता है। ओ हमारा भोवल है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, एन ऑस्ट्रिच हैज लॉन्ग लेग्स। द सन गिव्स अस लाइट एंड वर्थ, सन यहाँ पर क्या हो गया पार्टिकुलर, जब भी मैंने आपको बताया कि द का प्रयोग जो है पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग्स के लिए होता है, तो सन सिंगल चीज़ है, पार्टिकुलर सन के बारे में बात की जा रही है, सन के अलावा और कोई दूसरा सन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर द हो जाएगा। उसी प्रकार डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल, मून भी हमारा एक ही है, पार्टिकुलर एक चीज़ के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा द मून लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस सेज गिवन बिलो, ये प्रीपोजिशन है जिसको हमें सर्कल करना है। सुमित इज जंपिंग ऑन या अंडर द बेड, सुमित इज जंपिंग ऑन द बेड नंबर 2। रोहित इज प्लेइंग बेडविन इन द गार्डन, रोहित इज प्लेइंग इन द गार्डन नंबर 3। द बटरफ्लाई फ्लू एट या आउट ऑफ द विंडो, बटरफ्लाई फ्लू आउट ऑफ द विंडो नंबर 4। द स्कूल बेल ब्रिंग, द स्कूल बेल रिंग्स एट 8 PM या फोर 8 PM एट 8 PM नंबर 5। राशि इज डांसिंग टू विथ दीपा, राशि इज डांसिंग विथ दीपा। इस तरह ये प्रीपोजिशन को हमें टिक करना था। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म एडवर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इसके एडवर्ब फॉर्म में हमें लिखना है। पीसफुल, तो इसका हो जाएगा पीसफुली, केयरफुल केयरफुली, इस तरह हम इसका एडवर्ब बना सकते हैं। सॉफ्ट सॉफ्टली, क्विक क्विकली, स्लो स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, री राइट द सेंटेंस एंड कैपिटल लेटर एंड पंचुएशन, इसमें हमें पंचुएशन फिर से लिखना है और इसे पंचुएशन मार्क्स बताना है एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। हु इज़ द न्यू क्लास मॉनिटर, तो यहाँ पे हो जाएगा एच कैपिटल, हु इज़ द न्यू क्लास मॉनिटर क्वेश्चंस मार्क। क्वेश्चन 2, आई लाइक प्याली हु लिव्स इन जयपुर, यहाँ पर आई कैपिटल में हो जाएगा, आई लाइक प्याली हु लिव्स इन जयपुर फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, यहाँ पे फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कैपिटल में हो जाएगा, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह ये पंक्चुएशन हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द शाइनोमियम्स फॉर्म। इसके हमें शाइनोमियम्स फॉर्म लिखने हैं, यानी शाइनोमियम्स यानी समान अर्थ वाले शब्द इसके हमें लिखने हैं। हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा जॉयफुल। लेची, आइडियल। रिच, वेल्दी। विक, फीवर। बिग, बिग का हो जाएगा हग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके अपोजिट क्या होंगे? तो चलिए, इसका लव, हेट, हैप्पी, सैड, ब्यूटीफुल, अग्ली, सॉफ्ट, हार्ड, इजी, डिफिकल्ट। CULT डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन जंबल वर्ड्स। ये जंबल वर्ड्स में दिए गए हैं, इसे हमें सही सेंटेंस में लिखना है। करेक्शन को सही करके सही फॉर्म में हमें इसको लिखकर बताना है। वी शेयर कैन फूड द, इसका हो जाएगा वी कैन शेयर द फूड। यहाँ पे हो जाएगा वी कैन शेयर द फूड। वी कैन शेयर द फूड। कैन वी शेयर द फूड, यहाँ पे हो जाएगा कैन बी शेयर द फूड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, विल ही माई टू हाउस कम। करेक्ट आंसर हो गया इसका, ही विल कम टू माई हाउस। ही विल कम टू माई हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन। ब्रदर्स डॉटर्स, ब्रदर्स डॉटर्स को क्या कहते हैं? भाई की बेटी को क्या कहते हैं? नाइस, सिस्टर, डॉटर या आंट। करेक्ट आंसर इज नाइस। नंबर बी, ब्रदर्स सन, कजन, ब्रदर, नेफ्यू या फादर इन लॉ। ब्रदर्स सन्स, कजन्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट क्लास 3 के एनुअल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।